नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो फूल और फल के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो जाने जाते हैं कलरफुल लीव्स के बारे में, मतलब रंग बिरंगी पत्ते होते हैं इन सब प्लांट के। इन पौधों को अगर आप आपके घर में या फिर गार्डन में रखते हो तो आपकी घर और गार्डन की शोभा बढ़ाता है और अपने गार्डन को रंग बिरंगी बनाता है। तो ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले जिस पौधे के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, यह है कोलियस के प्लांट। बहुत ही सुंदर सा देखने में लगता है इस प्लांट को, इसके लीव्स ही इसके पहचान है। बहुत सारे कलर्स के पत्तों पे आते हैं ये प्लांट, हालांकि मेरे पास एक ही वैरायटी है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही आसानी से कटिंग से और सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जो सारे प्लांट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एक भी प्लांट्स मैं ख़रीदा नहीं हूँ, सभी प्लांट्स मेरे कटिंग के थ्रू ग्रो किया हुआ है। लेकिन मैं इसके कॉस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो नर्सरी वाले लेते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से इसके कटिंग मिल जाए तो कटिंग से भी आप प्लांट को ग्रो कर सकते हो। तो कोलियस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। अगर आप नर्सरी से ख़रीदना चाहते हो इसे तो 20 से 25 रुपये में आपको एक छोटा सा प्लांट मिल जाएगा। बहुत कम वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ता है और खाद देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसको आप ऊपर की तरफ जो इसमें सीड्स बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, इसको आप कट करके ऐसे कट करके फेंक दीजिए तो ये प्लांट बहुत दिन तक आपके गार्डन में रहेगा और आपके गार्डन को सुंदर बनाएगा इसके रंग बिरंगी पत्तों से। नेक्स्ट जो प्लांट है इसे कहते हैं रियो। बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला एक प्लांट है, कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट है। आप देख सकते हो कितने सारे रूटिंग यहाँ से निकले हैं। आप अगर यहीं से कट करके लगा दो तो यहीं से आपके प्लांट्स बन सकते हैं। कटिंग से मैं इस प्लांट को ग्रो किया हूं और इसके जो लीव्स है कलरफुल लीव्स है बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। बैक साइड के जो कलर है वो अलग होते हैं और सामने की साइड पे अलग कलर है। इस पौधे को आप हैंग भी कर सकते हो, हैंगिंग पॉट पर भी बेहद खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट को मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूं, लेकिन अगर आप नर्सरी से ख़रीदना चाहते हो इसे तो 15 से 20 रुपए पे आपको एक कटिंग मिल जाएगा। और अगर आप एक बार इस प्लांट को लाओ उसके बाद कटिंग से बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कलर के डिब्बे पे लगा के रखा हूं, तो ऐसे ही आप छोटे छोटे पॉट के अंदर इस प्लांट को लगा सकते हो। ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है इसे। आप हफ्ते में एक या दो बार वाटरिंग कर सकते हो समर सीजन के दौरान। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है क्रोटोन के प्लांट। क्रोटोन के भी कई सारे वैरायटीज़ होते हैं। ये देखिए जो मेरे पास वैरायटी है इसके जो लीव्स है ग्रीन और येलो डॉट से आते हैं। ये जितने ज़्यादा धूप में रखेंगे इसको उतने ही कलर के शेड्स आएंगे इसमें येलो कलर के। तो मैं इसको छत के ऊपर धूप पे रखा हूँ और मैं इसको कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ। और अभी ये प्लांट मेरे देखिए कितना बड़ा हो चुका है, मेरे 2 साल पुराना प्लांट है। ज़्यादा बड़े पॉट पे मैं लगाया नहीं हूँ, तो देखिए सिर्फ एक 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट के अंदर लगा हुआ है। खाद देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, आप महीने में एक बार खाद दे सकते हो। भर्मी कॉम्पोस्ट या फिर काउडांग आप दे सकते हो। अगर आप इनऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करना चाहते हो तो NPK 20-20-20 का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पौधों को आप बेलकोनी पे भी ग्रो कर सकते हो या फिर आप घर के अंदर मतलब बेडरूम पे भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन घर के अंदर ग्रो करने से आपको हफ्ते में एक दिन इसको फुल सनलाइट पे रखना पड़ेगा 2 से 3 घंटे के लिए। नेक्स्ट जो प्लांट आपके सामने है ये है एरेंथिमम के प्लांट। बहुत लंबा होते हैं ये प्लांट, लेकिन मैं इसको एक छोटे से पॉट के अंदर लगा के रखा हूँ। हालांकि इस प्लांट पे फ्लावरिंग होते हैं लेकिन मेरे इस प्लांट पे अभी तक कोई भी फ्लावरिंग नहीं है। मेरे 2 साल पुराना प्लांट है क्योंकि मैं इसको एक छोटे से पॉट के अंदर लगा के रखा हूँ। बहुत सुंदर से कलर के लीव्स है इसके, देखिए डीप पिंक या फिर डीप रेड भी लगते हैं देखने में। बड़े होते हैं प्लांट,
अगर आप इसको छोटे पॉट पे लगाते हो तो फिर भी ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होंगे अगर आप छोटे पॉट पे लगाते हो तो। जैसे कि आप देखिए मेरे प्लांट पे एक भी फ्लावर नहीं है, हालांकि इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावरिंग होते हैं। तो ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, एक कलरफुल लीव्स के लिए जाने जाते हैं। इसके पत्ते बहुत ही सुंदर से लगते हैं, थोड़े अलग कलर के होते हैं। तो इस प्लांट को आप आपके गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, आपके गार्डन को और भी रंग बिरंगी बनाएगा ये प्लांट। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ। नर्सरी से आप इसे अगर ख़रीदना चाहते हो तो आपको 40 से 50 रुपये के अंदर एक प्लांट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट आपके सामने है यह है कैलेडियम के एक वैरायटी। इसके पत्ते को देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, एक हार्ट शेप के पत्ते हैं इसके, और इसके अंदर जो रेड या पिंक डॉट होते हैं इससे जो लीव्स है वो और भी खूबसूरत लगते हैं देखने में। दोस्तों बल्ब से ये ग्रो हो जाते हैं, छोटे पॉट पे आप इसको लगा सकते हो, मेरे 6 इंच के पॉट के अंदर लगा हुआ है। तो इस प्लांट को भी आप इंडोर भी रख सकते हो, लेकिन हफ्ते में एक बार इसको धूप में रखना ज़रूरी है, नहीं तो इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो उसमें इतने कलर नहीं आएंगे। तो आपको हफ्ते में एक बार धूप में रखना ज़रूर है। ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, पेस्ट का अटैक एकदम नहीं होता है इस प्लांट पे। वाटरिंग भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और आप हफ्ते में 1 से 2 बार वाटरिंग कर सकते हो। और जैसे कि मैं पहले ही बताया, खाद के रूप में NPK 20-20-20 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद अगर आप देना चाहते हो तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग भी दे सकते हो, लेकिन कभी भी इसको ओवर वाटरिंग मत किया कीजिए। अगर आप ओवर वाटरिंग करोगे तो प्लांट के जो बल्ब्स होते हैं वो गल जाएंगे। आप हफ्ते में 1 से 2 बार ही वाटरिंग किया कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट, एकदम लो कॉस्ट प्लांट है। नर्सरी से आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो 15 से 20 रुपये के अंदर आपको एक प्लांट मिल जाएगा। छोटे से छोटे पॉट पे या फिर आप हैंगिंग पॉट पे भी इसको ग्रो कर सकते हो। इसके भी लीव्स जो है वो कलरफुल होते हैं, येलो ग्रीन डीप ग्रीन और भी कई सारे कलर्स के लीव्स पे आते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ पे आते हैं। तो इस प्लांट को भी आप आपके गार्डन में लगा सकते हो, आपके गार्डन को और भी कलरफुल बनाने के लिए। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, पेस्ट का अटैक होता नहीं है। हफ्ते में एक बार आप वाटरिंग कीजिए तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा पूरे साल भर। इस लिस्ट पे लास्ट जो प्लांट है वो है वांडरिंग जियो। ये भी बेहद खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है, कटिंग के थ्रू ग्रो हो जाते हैं, और इसके लीव्स जो है देखिए साइज ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, लेकिन इसके जो कलर होते हैं लीव्स के वही देखने में सुंदर होता है, और लीव्स जो है वेलवेट की तरह लगते हैं देखने में। हैंगिंग पॉट पे लगा सकते हो क्योंकि थोड़े भाइन टाइप प्लांट है, और इसे आप छोटे से छोटे पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हो। इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, और ना ही खाद की ज़रूरत पड़ता है। बस आप इसको हफ्ते में एक बार वाटरिंग करो तो ये प्लांट का ग्रोथ पूरे साल भर चलता रहेगा। जैसे कि मैं इसको 6 इंच पॉट के अंदर लगा के रखा हूँ, और बहुत पुराना प्लांट है। कटिंग से मैं इसको ग्रो किया था, आप भी इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हो। 20 से 25 रुपये के अंदर आपको एक प्लांट मिल जाएगा। तो इस प्लांट को भी आप आपके गार्डन को हरा भरा और कलरफुल बनाने के लिए लगा सकते हो। तो ये तो गया कुछ प्लांट, मतलब कलरफुल लीव्स वाले प्लांट, जिसे आपके गार्डन पूरे साल भर कलरफुल लगेगा, रंग बिरंगी लगेंगे देखने में। तो इस प्लांट को आप आपके गार्डन पे ज़रूर ऐड किया कीजिए। इसके अलावा और भी कई सारे प्लांट्स हैं बहुत ही लो कॉस्ट वाले, जिससे आपके गार्डन और भी खूबसूरत लगेंगे देखने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।